संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा आहे। हे मिशन वेगवेगळ्या मान्यतांमध्ये आस्था बाळगणाऱ्या जगातील समस्त लोकांचा आदर करत असते। संत निरंकारी मिशन सत्य, प्रेम व एकात्मतेची भावना पसरविण्यासाठी मागील 9 दशकांपासून प्रयत्नशील आहे। जगामध्ये वसुदैव कुटुंबकमची सुंदर भावना प्रसारित करण्यासाठी निरंकारी मिशनकडून सातत्याने निरंकारी संत समागमाचे आयोजन करण्यात येते। मिहान येथील सुमठाणा परिसरात 26 जानेवारी ते 28 जानेवारी दरम्यान भव्य समागमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या समागमाच्या बाबत अधिक माहिती देताना संत निरंकारी मंडळाचे प्रचार प्रमुख प्रकाश थुटरेजा यांनी माहिती दिली। महाराष्ट्र प्रदेश का ये 57वां वार्षिक संत समागम है। काफ़ी समय तक ये मुंबई, नवी मुंबई के क्षेत्रों में होता रहा, उसके बाद फिर ये नासिक, औरंगाबाद होता हुआ अब नागपुर शहर आ पहुँचा है। और उद्देश्य वही है जो पुरातन संतों ने कहा कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। सारी मानवता एक परमात्मा के संतान है और एक मन के हम प्यार के साथ, विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, बहुत बड़े बड़े दिल करके एक दूसरे को स्वीकार करते हुए जीना सीख जाएं। यही सदगुरु माता से दीक्षा जी महाराज का आज संदेश है। और यहाँ लगभग, जैसे आपने अभी सुना भी, कि लगभग 300 एकड़ में फैले हुए इस पूरे प्रांगण के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख जो निरंकारी भक्त हैं उनका यहाँ आगमन होगा। 3 दिवसीय 26, 27 और 28 जनवरी को ये समागम यहाँ आयोजित होगा और विशाल स्तर पर यहाँ सभी संत महात्मा आकर के अपने कुछ गीत, व्याख्यान, कविताओं और सतगुरु माता जी के संदेश, निरंकारी राजपिता जी के संदेश को सुन करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। और इस बार का जो विषय है वो हमें सतगुरु माता जी ने सुकून अंतर्मन का ये विषय दिया है, ताकि हम क्षणिक सुकून को छोड़ करके, क्षणिक सुख की चाह को छोड़ करके, उस परमानेंट, उस इटर्नल सुख को जो पीस विद इन है, आंतरिक सुख है, अंतर मन का है, जिसके आने के बाद फिर अपने आप सहनशीलता, विशालता और समग्रता जीवन के अंदर आती है, उसको स्थापित करने का उद्देश्य है। आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 2.5 से 3 लाख अनुयायियों के आने की संभावना है जी। महाराष्ट्र और देश के अन्य सब भागों से भी आएंगे जी।